हेलो रेल फैंस, आप सभी का स्वागत है आज रेल फैंस 60 डिग्री इनफाइनाइट ट्रेवलर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग एक वीडियो करने वाले हैं, एक जर्नी वीडियो। दोस्तों जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हावड़ा में एक मेट्रो स्टेशन बना है जो हावड़ा से सियालदह कनेक्ट करता है और वो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 तक जाती है। दोस्तों कोलकाता मेट्रो क्यों खास है, क्योंकि एकलौता ऐसा मेट्रो है जो डायरेक्टली इंडियन रेलवेज द्वारा मेंटेन्ड है। बाकी आप लोगों को मालूम होगा जैसे दिल्ली का हो गया DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, हर जगह कॉरपोरेशन चलाता है मेट्रो, बट ये सोली इंडियन रेलवेज ओन करता है, इंडियन रेलवेज ऑपरेट करता है ये कोलकाता मेट्रो। तो इसी का एक यूनिक पार्ट है ये हावड़ा मेट्रो। दोस्तों हावड़ा आप लोगों को मालूम होगा इंडिया का बिजिएस्ट स्टेशन है और लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट। दोस्तों हावड़ा स्टेशन के पास ही सियालदह स्टेशन है जो कलकत्ता का और एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है। तो दोस्तों हावड़ा और सियालदह के बीच में कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गया है, हालांकि अभी फुल बागान बोल के एक जगह है वहाँ पे एक पैसेज में काम चल रहा है। तो हावड़ा मैदान से इस प्लैनेट धर्मतला कलकत्ता का एक इम्पोर्टेंट जगह है। दोस्तों यहाँ तक का कनेक्टिविटी हो चुका है और फुल बागान तक कनेक्टिविटी होने वाला है। दोस्तों हम लोग आज एक जर्नी करने वाले हैं हावड़ा मेट्रो से हावड़ा मैदान तक। दोस्तों हम लोग का आज जो जर्नी है ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी जर्नी है, इस रूट में मेट्रो कैसा है ग्रीन लाइन में हावड़ा स्टेज में, तो यही देखने के लिए हम लोग हैं। दोस्तों अभी बैगेज का चेकिंग चल रहा है क्योंकि ये हावड़ा बहुत बिजी जंक्शन है, हाँ तो यहाँ पर बैगेज वगैरह का चेकिंग चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे RPF लोग पहरा दे रहा है और यहाँ पे बैग का स्कैनिंग चल रहा है, बैग वगैरह का, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्कैनिंग होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न रहता है अंडरग्राउंड मेट्रो में। दोस्तों आप लोगों का इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, हावड़ा जो प्लेटफॉर्म है जो हावड़ा मेट्रो का, ये कम से कम 10 फ्लोर मतलब 10वें मंजिल नीचे है, ठीक है। अभी हम लोग कार्ड पंच करके एंटर कर रहे हैं, 10वीं मंजिल नीचे है, मतलब बहुत नीचे से हम लोगों का मेट्रो चलता है हावड़ा में, ठीक है। क्योंकि ये मतलब बिजी टाउन के बीच में से जाता है ना, तो ये बहुत नीचे से जाता है दोस्तों, ताकि बिल्डिंग्स वगैरह इफ़ेक्ट ना हो। तो अभी हम लोग हावड़ा के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको, जैसे क्राउड मैनेजमेंट किसको बोलते हैं ये हावड़ा मेट्रो में आपको आज दिखेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग पहले सीढ़ी से उतर रहे थे, कम से कम 2 से 3 मंजिल उतरे, अभी हम लोग और 2 मंजिल कम से कम 2 मंजिल 3 मंजिल उतरेंगे नीचे, फिर यहाँ से दोबारा हम लोग नीचे जाएंगे दोस्तों। तो इतना नीचे हम लोग का मेट्रो स्टेशन है और ये होने का रीज़न यही है क्योंकि मेट्रो नीचे से पानी के नीचे से भी जाएगा ना, जो हावड़ा जो गंगा क्रॉस करेगा हुगली रिवर क्रॉस करेगा वो पानी के नीचे से क्रॉस करेगा दोस्तों। तो आप लोग को यही दिखाना था कि देखिए कितना नीचे मेट्रो है, हाँ, और यहाँ पर एक यूनिक क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है जो अभी आपको हम दिखाएंगे। जैसे मैं बता रहा था कि 2 बार नीचे उतरना पड़ता है, 3 बार कम से कम 3 बार आपको नीचे उतरना पड़ता है, मतलब गंगा रिवर के नीचे से आपको मतलब मेट्रो ट्रेन गुजरेगा ना, तो बहुत नीचे उतरना पड़ता है। तो रेल फैंस दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कम से कम 10-12 फ्लोर नीचे, मतलब अगर आप बिल्डिंग को आप उल्टा करोगे मिट्टी के अंदर 12 फ्लोर नीचे हावड़ा स्टेशन सिचुएटेड है, हावड़ा मेट्रो चलेगा, क्योंकि ये हुगली रिवर के नीचे से टनल बोर करके इसको बनाया गया है दोस्तों। तो आप लोग सोच सकते हैं जो ट्रेन गुजरेगा वो रिवर के नीचे से जाएगा ना, तो इतना डीप में स्टेशन है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों जे के ये जो सियालदह मेट्रो हम लोग जानते हैं और सेक्टर 5 इसी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ग्रीन लाइन में आपको दिखता होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर है, सेफ्टी डोर है, ठीक है, अनलाइक द मेन ब्लू लाइन जो हम लोग का दमदम स्ट्रेच है, दमदम टू गोरिया तक स्ट्रेच है दोस्तों, वहाँ पे आपको सेफ्टी गेट जो गेट दिख रहा है प्लास्टिक वाला, ये आपको नहीं दिखता है, बट ये जो रूट है इसमें आपको मतलब सेफ्टी गेट दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रीफाइड रहता है ट्रैक्स, तो दुर्घटना सुइसाइड वगैरह होता है, तो ये बहुत सेफ फील कराता है पैसेंजर्स को। अभी आप लोग देखेंगे दोस्तों लिफ्ट वगैरह भी है जो कोई भी पैसेंजर को नीचे से ऊपर से नीचे लेके जाएगा, बट एज़ यूजुअल एज़ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल मतलब सीनियर सिटीजन और लेडीज़ के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस है लिफ्ट वगैरह। तो देख सकते हैं दोस्तों ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर है,
कितना अच्छा सिस्टम है। अभी भी लोग मतलब साफ़ सुथरा है मेट्रो स्टेशन, हालांकि कुछ लोग यहाँ पे गुटखा थूक रहे हैं, गुटखा खोर लोग, ठीक है, उनको मेरा मतलब बहुत बहुत मतलब गलत बात है गुटखा थूकना, ठीक है, मत थूकिए गुटखा इधर उधर। गुटखा आपका पर्सनल चीज़ है, आप चबाओ, अपना पर्सनल चीज़ है, बट फेंको ध्यान से, पब्लिक प्रॉपर्टी में प्लीज़ मत फेंको गुटखा। दोस्तों अभी आप देखोगे कुछ देर में हावड़ा मैदान के लिए मेट्रो आ रही है, और अभी ऑटोमेटिक डोर मेट्रो रुकने के बाद खुलेगा, तो इससे दुर्घटना और सुइसाइड का केसेस कम हो जाएगा दोस्तों। और आपको जो मैं बता रहा था क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम, आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ गेट खुलेगा, जैसे ही ट्रेन आएगा ना दोनों तरफ गेट खुलेगा। आप इस प्लेट के तरफ भी जाओगे तो भी दोनों तरफ गेट खुलेगा, आप हावड़ा मैदान की तरफ जाओगे तो भी दोनों तरफ गेट खुलेगा। जैसे दोस्तों हावड़ा स्टेशन बहुत बहुत बिजी स्टेशन है, तो क्राउड मैनेजमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर इज़ वेरी मच नेसेसरी। तो इसी को ध्यान रखते हुए इंडियन रेलवेज़ ने ऐसा स्कीम बनाया कि गेट दोनों तरफ खुलेगा। जैसे हम लोग को मतलब अनाउंसमेंट होता है ना, ट्रेन बाएं तरफ खुलेगी या दाएं तरफ खुलेगी, ऐसा यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ट्रेन अभी ट्रेन आ चुके हैं, आप लोग देखोगे ट्रेन उनका गेट दोनों तरफ खुलेगा। तो अभी भीड़ कम है, आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है होली के दिन, हाँ, बट ये जिस दिन ऑफिस टाइम रहता है भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है, तो दोनों तरफ से पैसेंजर्स चढ़ सकते हैं उतर सकते हैं, इससे भीड़ कम होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ गेट खुला है दोस्तों, और क्राउड मैनेजमेंट बहुत लाजवाब होगा इससे, हाँ। तो अभी हम लोग एक जर्नी करने वाले हैं हावड़ा मैदान तक दोस्तों, जो कि लास्ट स्टेशन है, हाँ। फिर दूसरे जर्नी में, दूसरे वीडियो में हम दिखाएंगे जर्नी फ्रॉम हावड़ा मैदान।